व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, शानदार तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है। ये एक ऐसा दिन होता है जब हमारी कंट्री में हमारा संविधान पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट किया गया था। और संविधान आप लोगों को पता है, एक डाइवर्स कंट्री के लिए, खासकर जहां पर बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे रीजन हो, संविधान ही एक ऐसी माला है जो सारे बीज को एक जगह पिरो कर रखती है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा इसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तभी हम लोग एक डाइवर्स कंट्री में अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी से मिलता जुलता यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि संविधान के ही कुछ बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के बारे में। ये है यहाँ पर टुलू लैंग्वेज के बारे में। टुलू लैंग्वेज को 8 शेड्यूल का पार्ट बनाने की बात चल रही है, तो उसी के चलते ये न्यूज में है। अगर इसको एक शेड्यूल का पार्ट बनाएंगे तो क्या क्या फायदे यहाँ पर होने वाले हैं, और आज की डेट में हमारी कंट्री में कितनी शेड्यूल लैंग्वेज है, स्टार्टिंग में कितनी शेड्यूल लैंग्वेज थी, आज की डेट में कितनी शेड्यूल लैंग्वेज उसमें ऐड कर दी गई है, और बाकी और भी कई सारे प्रोविजन जो संविधान से रिलेटेड है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। सारे शेड्यूल जो है उनका भी आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोग जान सके कि शेड्यूल में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि काफी शानदार इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। यहां पर अभी बात करेंगे 8th शेड्यूल में तुलू लैंग्वेज को रखने की बात की जा रही है। ये जो तुलू लैंग्वेज है यहां पर, ये यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर 8th शेड्यूल में आती है तो सोशल इंक्लूजन देखने को मिलेगा और नेशनल सोलिडेरिटी देखने को मिलेगी। ये तुलू लैंग्वेज आप लोगों को, ये जो राइटिंग है कुछ ऐसी आप लोगों को यहां पर इसकी राइटिंग यहां पर ये नजर आएगी जो कि 15th सेंचुरी AD से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो आइए सबसे पहले यहां पर थोड़ा बात करते हैं शेड्यूल के बारे में, फिर उससे आगे हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीजें कहां कहां पर कैसे है, कौन सी लैंग्वेज हमारी कंट्री में, कितनी लैंग्वेज है आज के डेट में, फिर वो सारी बातें हम लोग यहां पर जानेंगे। टोटल मिलाकर हमारे संविधान में 8 शेड्यूल नहीं है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो 12 शेड्यूल में से इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जो बात की जा रही है वो हमारी कंट्री में जो नाम और जो टेरिटरी है उनके बारे में बात की जा रही है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। इनके 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को पहले शेड्यूल में देखने को मिलेगी। दूसरा शेड्यूल जो है वो बातें करते हैं कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं। तीसरा शेड्यूल यहां पर बात करता है जो ओथ ली जाती है, जैसे नहीं बोलते हैं कि अफर्मेशन वगैरह, ओथ वगैरह जो भी आप लोग लेते हैं जब आप लोग किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर जाते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है हमारी पार्लियामेंट के। फोर्थ जो शेड्यूल है यहां पर सीट के एलोकेशन के बारे में बात करता है, यानी कि हमारी कंट्री में जो सीट है वो किस तरीके से, जो बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरी की खासकर राज्यसभा में जो सीट है उसके बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है। ठीक है, किस तरीके से सीट जो होती है वो एलोकेट रहती है। फिफ्थ शेड्यूल जो यहां पर बात करते हैं, ये फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल तो आप लोगों को पता ही है, जो ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर फोकस देकर चलते हैं। फिफ्थ शेड्यूल यहां पर ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में, जो एरिया रहता है ट्राइबल शेड्यूल वाला। सिक्स्थ शेड्यूल यहां पर बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ट्राइबल एरिया रहता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये यहां पर मैंने जब आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया भी था कि यहां पर इस तरीके से याद रखते हैं ATM। ठीक है ना, तो यहां पर जो M हो गया उसमें मेघालय भी आ जाता है, M हो गया उसमें आप लोगों को यहां पर मिजोरम भी आ जाता है। तो ATM में कौन नहीं है, एक M नहीं है, कौन सा M नहीं है, मनी। यानी कि ATM नाम रख दिया पर लेकिन इसे मनी ही नहीं है। तो इस ATM यानी कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य ऐसे हैं जहां सिक्स शेड्यूल इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सेवंथ शेड्यूल जो है यहां पर ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन किस किस तरीके से यहां पर पावर में आता है। अब हम आते हैं 8th शेड्यूल के ऊपर, 8th शेड्यूल के बारे में भी बात करूंगा। 9th शेड्यूल में जब बात करते हैं तो यहां पर ये बेसिकली शेड्यूल एडिट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, ताकि जो कुछ ऐसे रेगुलेशन है शेड्यूल में डाले जा सके उनको कोई टच ना करे, प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहां पर 10th शेड्यूल जो है आप लोगों को पता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। तो 52वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो आप लोगों ने सुना आयाराम गयाराम, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो यहां पर ये इसी 10th शेड्यूल में रखा गया है। 11th शेड्यूल क्या बात करता है, 11th शेड्यूल में पंचायत है, और ये जो पंचायत है ये हमारी संविधान में 73rd यानी कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और उसके बाद में यहां पर इसको ऐड किया गया। आगे बात करते हैं 12th शेड्यूल के बारे में। तो 12th शेड्यूल जो है इसमें आप लोगों को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत म्युनिसिपैलिटी कनेक्ट आएंगी, और ये जो म्युनिसिपैलिटी है यहां पर ये भी 1992 में इसको ऐड किया गया, जो कि एक आप लोग बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट हमारी कंट्री में ऐड की गई। तो ये था एक ओवरव्यू आप लोगों का शेड्यूल का। अब हम लोग बात करेंगे कौन से शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल नंबर 8। ठीक है ना,
तो शेड्यूल नंबर 8 के बारे में डिटेल में बात करता हूं, फिर आर्टिकल की ओर चलेंगे। हमारे जो संविधान में 8वां शेड्यूल है, वो जो शेड्यूल है उसमें टोटल मिलाकर आज की डेट में 22 लैंग्वेज है हमारी कंट्री की। तो ये जो 22 लैंग्वेज यहां पर रखी गई है, क्वेश्चन ये बनता है क्या इनिशियली से ही यहां पर 22 लैंग्वेज है? नहीं, स्टार्टिंग में यहां पर 14 यानी कि 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, बाद में ऐड करते 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 इसको 22 लैंग्वेज पर पहुंचा दिया गया। यानी कि आप लोग यहां पर ये बोलिए कि आज की डेट में इन 14 लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज और यहां पर ऐड कर दी गई है, और ये जो 8 लैंग्वेज ऐड करने के बाद में यहां पर 22 टोटल लैंग्वेज हो गई है। याद रखने का एक शानदार तरीका है, 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज और ऐड कर यहां पर 22 लैंग्वेज हमारे द्वारा कर दी गई है। इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, ठीक है? तो कोई पूछे कि इनिशियली कितनी लैंग्वेज थी, तो यहां पर 14 लैंग्वेज थी, आज के में कितनी है 22 लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज है इनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन सी स्टार्टिंग में लैंग्वेज थी और कौन सी ऐड की गई, सारी थोड़ी सी डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टार्टिंग में जो यहां पर लैंग्वेज थी वो थी आसामीज, इसी के साथ में बंगाली, डोगरी, गुजराती, नेक्स्ट यहां पर बात करें हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, यह है मलयालम, मणिपुरी, ये सारी जो लैंग्वेज हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी, मराठी, नेपाली, नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को नजर आएगा उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, नेक्स्ट यहां पर सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है? तो ये टोटल लैंग्वेज है जो कि हमारे संविधान में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है? तो इन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज यहां पर किस तरीके से ऐड की गई वो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। जब बात करते हैं यहां पर सिंधी, ठीक है, जो मैंने 22 लैंग्वेज यहां पर टोटल लिख दिया आप लोगों के सामने, जो सिंधी लैंग्वेज है यहां पर, सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई 21वां जो संशोधन अमेंडमेंट किया गया 1967 में, यानी कि सिंधी लैंग्वेज हमारी कंट्री में संविधान में 21वां संशोधन करके 1967 में इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन लैंग्वेज जो यहां पर ऐड की गई, ये 71st यानी कि 71वां अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया 1992 में, और उसके बाद में इनको ऐड किया गया। तो चार लैंग्वेज चुके हैं यहां पर। अब बाकी की चार लैंग्वेज जो हैं जिनका नाम है बोडो, डोगरी, ठीक है, नेक्स्ट है मैथिली और संथाली, तो ये जो लैंग्वेज है यहां पर ये ऐड की गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 92वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन करके 2003 में इनको ऐड किया गया। तो ऐसे ऐसे करके हमारे संविधान में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है। याद रखिएगा इंग्लिश इज नॉट ए शेड्यूल लैंग्वेज और इंग्लिश इसमें इंक्लूड नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा। आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है, आर्टिकल में ये बातें की जा रही है कि ये जो तुलू है ये आप लोगों ने देखा कहीं डिस्कस नहीं किया गया, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक सोशल इंक्लूजन होगा, यानी कि सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और नेशनल सॉलिडेरिटी बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं 2001 के सेंसस की बात की जा रही है, हालांकि 2011 का भी सेंसस आ चुका है और अब नेक्स्ट सेंसस हमारा 2021 का आने वाला है, जिसको हिंदी में आप लोग जनगणना बोलते हैं। तो 2001 के सेंसस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में 30 ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि मोर देन 1 मिलियन पीपल बोलते हैं, यानी कि 30 ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी कंट्री में जिनको 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो हमारी कंट्री में 30 ऐसी लैंग्वेज है जिनको 10 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं, 122 ऐसी लैंग्वेज है हमारी कंट्री में जिनको 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, इसी के साथ में टोटल मिलाकर 1599 ऐसी लैंग्वेज है जो कि बोलियां बोलते हैं, नहीं जो छोटी छोटी आप लोग खड़ी बोलियां टाइप में जो बोलते हैं मोस्ट, यहां पर जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है छोटे छोटे एरिया में जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये यहां पर जब भी मुझे ये बात याद आती है मैं हमेशा एक बात बोलता हूं आप लोगों, हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स कंट्री है जहां पर आप लोग एक शब्द यूज कर सकते हैं, कोस कोस पे बदले बानी सवा कोस पे वानी, ठीक है, पोस कोस पे बदले पानी सवा कोस पे बानी, यानी कि जैसे जैसे आप लोग चलते हैं पानी भी बदल जाता है, पानी का स्वाद टेस्ट आप लोगों को चेंज नजर आएगा और बोली भाषा भी बदल जाती है। तो ये फैक्ट है हमारी कंट्री में, ये डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की। तो इंडिया जो है हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज है, एक बहुत लार्ज स्केल पर हमारी कल्चर है और इसी के चलते हमको इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक वे के चलते इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वरना ये जो लैंग्वेज है ये जो भाषाएं हैं ये विलुप्त होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। मैं यहां पर आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सजेशन है, जब भी आप लोग अपना गांव छोड़कर अपना कोई एरिया छोड़कर बाहर आते हैं तो आप लोग अपनी भाषा बोलने से शर्माते हैं। देखिए भाषा बोलने से बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, वो आप लोग की मातृभाषा है, जहां भी आप लोगों को मौका मिले उसको आप लोग जरूर बोलिए, क्योंकि कोई भी भाषा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये एक तरीके से वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और आप लोग जिस भाषा में अपने आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं वो भाषा आप लोगों को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसी में आप लोग पले बड़े हैं और उसी में आप लोग अच्छे से अपने आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं उस भाषा में आप लोग अपना एग्जाम दीजिए जिसको आप लोग बहुत
अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से दूसरे को समझा भी सकते हैं। वही लैंग्वेज आप लोगों की पेपर की लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी। लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़िए कि इस लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप लोग रिप्रेजेंट ही नहीं आप लोगों को अपने आप को कर पाओगे तो कहां से मार्क्स लेकर आओगे। तो उस लैंग्वेज में आप लोगों को लेकर चलना है अपने आपको, जो कि सबसे बेस्ट आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आपको, और वो आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता, ठीक है। आर्टिकल हमारे संविधान में 1929 जो आर्टिकल है, पार्ट किस में है, पार्ट थर्ड में है। कहां पर है ये, फंडामेंटल राइट में है, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो इसमें आर्टिकल 29 के बारे में बात की जा रही है। ये यहां पर ये बोलता है कि जो सेक्शन सिटीजन है यहां पर अपनी, अगर लैंग्वेज वो बोलते हैं तो अपनी कल्चर को कंजर्व करने का भी राइट है उनको, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोगों के पास में राइट है हमारे संविधान के द्वारा दिया गया कि आप लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये राज्य और जो सिटीजन है यहां पर दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अलग अलग लैंग्वेज होती है, जो स्क्रिप्ट है, जो कल्चर है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, इसको लेकर हम लोग को चलना है। हमारे संविधान में तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं जिनको 8वें शेड्यूल में रखा गया है। ये जो 22 लैंग्वेज है हमारे संविधान में, ये शानदार तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। और 22 लैंग्वेज जो है शेड्यूल में अगर इंक्लूड की गई है तो उनका फायदा क्या है, उसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा। सबसे पहले आप लोग यहां पर यह जानिए कि जो लैंग्वेज है हमारे हमारे संविधान में, आप ऐसा नहीं है कि बस यही लैंग्वेज है जो हमारी कंट्री में यहाँ पर इंक्लूड की गई अच्छी लैंग्वेज है, इसके अलावा भी कई सारी लैंग्वेज है। पर लेकिन ऐसा भी है कि बहुत कम बोले जाने वाली लैंग्वेज भी यहाँ पर आप लोगों को नजर आ जाएगी। जैसे संस्कृत के बारे में बात करें तो ये 8वें शेड्यूल में है और टोटल 24,821 लोग इसको बोलते हैं, अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से हम लोग बात करें, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को बोलते हैं। पर लेकिन संस्कृत तो काफी अच्छे से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर संस्कृत जो है वो आज के डेट में जिंदा है, वरना संस्कृत अब तक मर गई होती अगर कहीं ना कहीं शेड्यूल में इंक्लूड न की गई होती। इसी के साथ में तुलु के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये एक द्रविड़ियन लैंग्वेज है, पूछा जा सकता है किस किस एरिया में ये बोली जाती है। दो डिस्ट्रिक्ट जो कोस्टल एरिया है कर्नाटका के, और इसी के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर केरला के अंदर में, ये तुलु लैंग्वेज बोलता है। तो टोटल कितने लोग यहां पर इस लैंग्वेज को बोलते हैं, टोटल मिलाकर यहां पर एक, देखिए इस तरीके से आप लोगों को अगर डेटा रहेगा ना तो आप लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे। जैसे यहां पर संस्कृत देखिए 24,821 लोग ओनली बोलते हैं, अगर तुलु की बात करें तो सेंसस के हिसाब से इसको 18,40,427 लोग इसको यहां पर बोलते हैं आज के डेट में इंडिया में। तो तुलु लैंग्वेज को अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए यहां पर, मणिपुरी और संस्कृत से भी ज्यादा लोग यहां पर बोलते हैं जिनको शेड्यूल स्टेटस दे रखा है 8वें शेड्यूल में, तो फिर तुलु लैंग्वेज को इसमें क्यों ना रखा जाए। दूसरी बात, तुलु लैंग्वेज जो है मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज है जो कि द्रविड़ियन फैमिली में आती है। द्रविड़ियन फैमिली मतलब साउथ इंडिया में जो बेसिकली फोकस किया जाता है, तो उसके बारे में बात की जाती है। इसके साथ में देखिए एडवांटेज क्या है, अगर यहां पर लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो इसको क्या फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह, आज के दिन में ना तो ये किसी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ना ही ये किसी दूसरी कंट्री में यहां पर ये जो लैंग्वेज है ये बोली जाती है, फोकस की जाती है ज्यादा, ठीक है। अगर इसको हम लोग 8वें शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं तो काफी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। तुलु लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिलेगा साहित्य अकादमी, जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं वो शेड्यूल लैंग्वेज में ही दिए जाते हैं, तो तुलु लैंग्वेज में भी यहां पर ये अवार्ड दिया जाएगा। तुलु लैंग्वेज के ऊपर बुक जो है वो ट्रांसलेट की जाएगी दूसरी इंडियन लैंग्वेज में भी, अगर कोई इस भाषा में किताबें लिखता है तो। तुलु लैंग्वेज को पार्लियामेंट में बोला जाएगा और एमएलए जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी में भी इसको स्टेट के अंदर बोलेंगे। तो इस तरीके से तुलु लैंग्वेज को ऑल ओवर कंट्री हमारी सुनेगी कि हाँ ऐसी भी कोई लैंग्वेज है। कैंडिडेट अगर यहां पर इसको शेड्यूल लैंग्वेज बना दिया जाता है तो सिविल सर्विस के जो एग्जाम है वो भी आप लोग तुलु लैंग्वेज में यहां पर दे पाएंगे। तो इस तरीके से अगर शेड्यूल लैंग्वेज इसको बना दिया जाता है तो ये सारे फायदे यहां पर इसके देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर आगे बात करूं अगर यहां पर, तो सबसे बड़ी जो बात बोली जा रही है, जो प्रोटेक्शन की बात की जाती है लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी की और इसी के साथ में प्रमोट करने की, तो देखिए तभी हम लोग सोसाइटी को ढंग से इंक्लूड करके चलते हैं। जेंडर और सोशल इनइक्वलिटी यहां पर सामने निकल कर आती है, बहुत सारे स्पीकर हैं, गारंटी दी जाती है उनके राइट के बारे में, ताकि अगर कोई इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी है तो वो भी यहां पर आगे बढ़कर अपने आप को सेव कर सके। तुलु जो है यहां पर ये डिजर्विंग लैंग्वेज है कि इसको 8वें शेड्यूल में डाला जाए हमारे संविधान के अंदर में, और इसी के चलते इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी भी यहां पर इसको दी जाए जैसे दूसरी लैंग्वेज को दिया गया है। इसी के चलते ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों से पूछा जा सकता है, आर्टिकल 344 यानी कि 344 और आर्टिकल 351 यानी कि 351 हमारे संविधान का 8वें शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उनके इंक्लूड होने को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये शेड्यूल के ये जो आर्टिकल है यहां पर जो कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। कोई भी आर्टिकल कोई भी जो शेड्यूल है आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोग उनको समझिए और उनका रिविजन करते रहिए। रिविजन करते करते आप लोगों ये चीजें याद हो जाएंगी। रिविजन इज द बेस्ट की, आप लोग बोल सकते हैं रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो रिविजन करिए जितना
जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। और डेली लेक्चर देखेंगे तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताई हैं, ये बहुत बार रिपीट होती रहती है। तो डेली लेक्चर देखने का रेगुलर यही फायदा है कि बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को यहीं पर ही रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक बच्चे का मुझे अभी एक मैसेज याद आ गया जो मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था। उसने ये बोला कि सर पहले मुझे ये लगता था कि काफी टफ है, जब मैं आपके लेक्चर देखता है स्टार्टिंग में जब मैंने देखना स्टार्ट किया मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर लेकिन जैसे जैसे मैं देखना स्टार्ट किया तो आज के डेट में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो कि रिवाइज होती रहती है जिनको मैं भूल जाता हूं, और इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे जो टर्म्स है मेरी समझ में नहीं आती थी तो आज के डेट में वो समझ में आने लगी है। स्टार्टिंग में सुनने पर समझ में नहीं आती थी, पर लेकिन जैसे जैसे मैं चीजों को कर रहा हूं तो मेरी समझ में चीजें आ रही हैं। तो ये एक तरीका है, एक प्रोसीजर है जो आप लोगों को फॉलो करके चलना है, फिर सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक का आज का डिस्कशन।